नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और आज का नया बिजनेस के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस एक बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसका आप 22 रुपए में से प्रोडक्शन करेंगे और उसे 150 रुपए तक सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह बिजनेस है क्या। यह बिजनेस है टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मार्केट में हार्पिक नाम का कंपनी है, लाइजोल है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, यह इस तरह का प्रोडक्ट बनाते है, यानी कि टॉयलेट क्लीनर बनाती है और मार्केट में सेल करती है। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी जो है पर लीटर लगभग 120 रुपया, 130 रुपया, 150 रुपया सेल करती है। लेकिन आप इसी को बनाते हैं अपने घर पे तो आप इसे 22 रुपए में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग आप इसे मिनिमम 100 रुपए में भी अगर आप सेल करते हैं होलसेल में, आप सोच सकते हैं कि आप इस बिजनेस से कितना अर्न कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है, यानी कि हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए इसमें आपको नॉर्मल वाटर, इसके बाद एसिड और ब्लू कलर लगता है जो मार्केट में हार्पिक कंपनी जो है वह सेल करती है। जी दोस्तों, इसमें एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें कलर थोड़ा सा डाल दिया जाता है और इसके बाद इसमें एसिड थिकनर लगता है। इसमें फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरो एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी एक एसिड डालना होता है। जी दोस्तों, सिर्फ 4 रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत होती है। जी दोस्तों, वाटर, एसिड, ब्लू कलर, एसिड थिकनर और HCl। जी हाँ दोस्तों, अब प्रोडक्शन देखते हैं कि इसका किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। आप देखते हैं टॉयलेट क्लीनर किस तरीके से बनाएंगे। टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसको पानी में कलर डालना है। एसिड ब्लू कलर ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लास्टिक का बर्तन इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, पर आपको ये ब्लू कलर ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, कलर मिक्स करने के बाद एसिड थिकनर है, इस एसिड थिकनर को जो है हम इसमें डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसिड थिकनर हम थोड़ा डालेंगे इसमें और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको फिर से सही से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 दोनों में से कोई भी एक एसिड डाल सकते हैं और इसमें फिर आपको डालने के बाद आपको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जब ये क्लोरोक एसिड डालेंगे तो इसके बाद इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और ये और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। और देखिए आप कितना अच्छा बन गया है ये। आप धीरे धीरे मिक्स कीजिए, देखते ही देखते ये गाढ़ा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे 5-10 मिनट तक छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। इसे आप एक दिन तक ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा और इसका झाग भी पूरा खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके का पैकेजिंग बोतल आप मार्केट से खरीद सकते हैं और उस पे ब्रांडिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे 1 डे यानी कि 6-7 आवर्स तक रखेंगे तो इसका पूरा झाग खत्म हो जाएगा और ये पूरा मार्केट की तरह ही बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेजरमेंट के हिसाब से ही आप इसको बनाएंगे तो यह आपका एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार होगा, क्योंकि दोस्तों मेजरमेंट से यदि आप काम करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का तैयार हो जाता है यदि आप इसे घर में बनाएंगे तो, और आपको बाजारों से महंगा लाने की जरूरत नहीं है, ये आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं और आप इसकी आप पैकेजिंग कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, रॉ मटेरियल खरीदने का आपको कार्य जो दे रहे हैं वो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहे हैं कि आप बिल्कुल आसानी से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर जी बहुत सारी मार्केट में डिमांड भी है और इसका सभी लोग घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप पूरी पैकेजिंग कर आप इसका 22 रुपए का खर्चा कर आप इसमें बहुत अच्छा मार्केटिंग का मुनाफा कमा सकते हैं। जी दोस्तों, 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर का कॉस्ट जो आता है वो 13 रुपए आता है। पैकेजिंग कॉस्ट 8 रुपए होती है और ब्रांडिंग यानी कि स्टिकर आपका सिर्फ मात्र 1 रुपए में आता है। तो दोस्तों, टोटल कॉस्ट जो हुआ 1 लीटर का टॉयलेट क्लीनर मेकिंग एंड पैकेजिंग का, वो 22 रुपए हुआ। और आप इसे मार्केट में रिटेल में अगर आप इसे सेल करेंगे तो यह ज्यादातर 150 रुपए तक आपका बिक जाएगा और यदि आप इसका मार्केट में होलसेल में अगर आप इसे बेचेंगे तो आपका मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपीज में ये बिकेगा। तो दोस्तों, आप खुद ही आप टॉयलेट क्लीनर को बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉफिट 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर में होगा 100 रुपए
अगर आप मिनिमम अगर आप इसे 100 रुपए में भी बेच दे तो आप 100 रुपए में अगर आप 22 रुपए माइनस करेंगे तो 78 रुपीज आपको प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपने खर्च नहीं करा जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। इफ यू सेल पर डे 100 लीटर देन प्रॉफिट ऑफ वन डे, आप 100 को अगर आप 78 से इंटू करेंगे तो 7800 रुपीज आप पर डे कमा सकते हैं 100 लीटर के हिसाब से। और यदि आप पर मंथ की अपनी इनकम निकाल रहे हैं तो 30 × 7800 को करेंगे तो 2,34,000 रुपीज आपका सीधा सीधा प्रॉफिट और आपकी अर्निंग इनकम एक मंथ की इतनी हो रही है। तो दोस्तों, पूरे साल का तो आप पूरा हिसाब ही नहीं लगा सकते कि आप कितना कमा सकते हैं और कितनी कम इन्वेस्टमेंट करके। जी दोस्तों, ये सब आपके हाथ में भी होता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितना मार्केट में आपको कैसे बेचना है, ये सब थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी होता है। ये सिर्फ हमने आपको एक मोटा मोटा सिर्फ आपका जरिया बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए बिजनेस टिप के साथ। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप मालामाल भी हो सकते हैं और आपको एक अच्छा मुनाफा भी हो सकता है।